वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे एक्शन में देखने को मिले, जो आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर शो के ओपनिंग पर सेंट टेलर को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। वेल वैसे तो इस मैच के अंदर आज विल ऑस्प्रे की काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर जब ऑस्प्रे उनका फिनिशर हिट करने की कोशिश करते गए तो एंथोनी गोगो मैच में इंटरफियर करते गए, बट इसके बावजूद भी विल ऑस्प्रे हिडन ब्लेड के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम के द्वारा विल ऑस्प्रे पर अटैक किया जाता है। बट गाइज, इसके बाद आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड अरीना में एंटर होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड के एंट्रेंस के ऊपर ही आज यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड पैक की जमकर कुटाई करते गए और AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर AEW के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन पैक यहां पर जमकर पिटते गए, जिसके बाद की कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर वुमेन डिवीजन से एना जे और सरीना डीप का मैच देखने को मिलता है, जहां पर सरीना डीप के इस मैच को आराम से जीत जाने के बाद टोनी स्टॉर्म यहां पर शो के ऊपर अराइव होते गए और वो यहां पर सरीना डीप के सिग्नेचर फ्लैग के साथ हमें यहां पर नेकेड होते हुए दिखाई देते गए और AEW के लाइव टीवी के ऊपर टोनी स्टॉर्म के नेकेड होने के बाद वो यहां पर सरीना डीप के फ्लैग को लपेट कर बैक स्टेज एरिया पर चली जाती गए, जिसके बाद की कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन और FTR राइटियस और लांस आर्चर को फेस करते गए और इन तीनों के काफी शानदार मैच के बाद फाइनली यहां पर ब्रायन के फिनिशर के साथ वो मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद राइटियस यहां पर ब्रायन और FTR पर अटैक करती गए, जिसके बाद के डेनियल गार्सिया शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ब्रायन को सेव कर लेते गए।